जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोलिसबसाहूनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। किसी के औदयु भाव को देखकर आपको कष्ट होता है और उस कष्ट का कारण आप उसे मानते हैं, इसका मतलब आपको कर्ता कर्म अधिकार की भूल चल रही है। क्या कहा? कौन से अधिकार की भूल चल रही है? कर्ता कर्म अधिकार की भूल चल रही है। ये मुझे दुख देता है, ये मुझे कुछ कहता है, ये मुझे हानि पहुंचाता है। फिर वही वाली बात आ गई, पर्सनर्सों वाली बात। अंदर जाकर देखो, कहीं संशय तो नहीं है, विपर्यय तो नहीं है, आनंद वशात तो नहीं है। एक पंक्ति में कहा जाए तो औदयिक भाव का कर्ता जीव नहीं, मैं नहीं हूं तो वो भी नहीं है। बस इतने में पूरे विश्व का समाधान हो गया, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। जिस औदयिक भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, उसका कर्ता कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी एक गंदी आदत है, अपने से गलती हो जाए तो लगता है कि मैं करता हूं, लेकिन सामने वाले की गलती देखकर क्या लगता है? अच्छा, ऐसे तो बिगड़ते ही चले जाओ। एक अहंकार होता है ना, कर्ता बुद्धि का अहंकार। तो फिर पंडित जी, ऐसे तो हम बच्चों को समझाए ही नहीं तो सिर पे चढ़ जाएंगे, और बहुएं तो घर तूफान मचा देंगे, ऐसे तो सारी दुनिया बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगी। ये है पूरे संसार का कर्तत्व का अहंकार। उसको ये नहीं लगता कि सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं एक भी औदयिक भाव का कर्ता जीव नहीं है। समझ में आ रहा है? औदयिक भाव की एक विशेषता की बात करें, आवाज कुछ गड़बड़ हुई कल शाम से, कुछ शाम से कुछ गड़बड़ हुई है। कल शाम को भी मजा नहीं आ रहा था, ताकत बहुत लग रही थी, है ना? सुनना सभी लोग, आवाज सीटी मार रहा है, क्या कर रहा है? आ रही है आवाज? ठीक है, चेक कर लो, थोड़ी आवाज सही करना। देखो, औदयिक भाव की एक विशेषता है कि अपनी गलती, अपने को क्या लगता है, अपनी गलती तत्काल मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं मानेंगे, आप खुद नहीं मानेंगे दूसरे की तो क्या बात करें। ये एक औदयिक भाव है। सामने वाले जीव के सुधरने का काल कब आना है, सुखी होने का काल कब आना है, जब वो मानेगा। कई बार आपको ऐसी हंसी आती होगी, इतनी छोटी सी बात नहीं समझा पा रहे हैं हम आपको। जैसे आप बहुत सिंपल सी बात अपनी पत्नी को समझाएं, देखो भाई तुम्हें पता है अपनी पैसे इनकम कितनी है हर महीने की, और इतना मोटा खर्च अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं समझा सकते, बच्चों को नहीं समझा पाते। अब ये काम करो, आप अपने बच्चों से परिवार से कहो, देखो बेटे मैं रिश्वत नहीं लूंगा। इतनी सी बात कह करके आपको दसों बातें समझानी पड़ेंगी। आप मिलावट क्यों नहीं करेंगे? सब तो करते हैं। पापा आप तो बिल्कुल ऐसे ही हो, दुनिया भी तो कर रही है। अकल चाहिए करने के लिए, मतलब सारे बच्चे इतने उपदेश देंगे विनय ग्रंथ होंगे, पूरा परिवार, पूरे मित्र, सारी दुनिया आपको जाने कितने उपदेश दे देगी इन बातों पर। जब तक समझ लेना भैया, इस औदयिक भाव का विचार करोगे तो आपको इतना वैराग्य आएगा कि विश्व में किसी को समझाने का भाव नहीं आएगा। क्या? सामने वाले जीव का भवितव्य भली हो, होनहार भली हो, तो वो समझने के लिए तैयार होगा, नहीं तो समझने के लिए तैयार नहीं होगा। कल कहा था, साक्षात तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते।
तीर्थंकर भगवान भी लोकालोक को जान तो सकते हैं, लेकिन एक भी पर्याय आगे पीछे करने की शक्ति उनमें नहीं है। क्या कह रहे, एक भी पर्याय उनकी दिव्यध्वनि में आ जाता ना, क्या आ जाता दिव्यध्वनि में, एक काम करो तुम काला धागा बांध लो। बता देते ना 12 वर्ष बाद द्वारका चलनी है, तो उपाय भी बता देते, एक काम ऐसा करो तो नहीं जलेगी, बहुत सरल उपाय था। नहीं, सरल उपाय नहीं था, कोई सरल उपाय होनहार के आगे कोई, ऐसे ही आपकी औदयिक भाव भी होनहार है। बहुत विचार करना, क्यों अभी ऐसा लग रहा था, फिर अब हम क्या करें, अब हम तो मजबूर हो गए, अब तो जो अनादि अनंत भाव होने वो तो होंगे, हमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी सूक्ष्म बात है, विचार कर। एक्चुअली होता क्या है, एक शब्द आता है न्याय में, काकताली न्याय। काकताली न्याय समझते, यहां ताली बजाई, मां कौआ उड़ गया, और दूर के झाड़ पर से एक कौआ उड़ा, और ऊपर से एक जामुन गिरी, जामुन जामुन समझते, जामुन गिरी और उस कौए के मुंह में आ गई। मैंने क्या समझा, ये सब मेरे चमत्कार का फल है। क्या क्या चमत्कार है, ताली बजने का, ये ताली बजने का चमत्कार नहीं है, ये काकताली न्याय है। काकताली न्याय कहला तक, कौआ उड़ना और ताली बजना एक साथ हो गया हो। ऐसे ही इधर तुम कुछ सोचते हो, इधर उंगली हिलती दिखती है, तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैंने उंगली हिलाई, मैंने डांटा, मैंने समझाया, तुमने समझाया और वो मान गया, ये आपको भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, इसलिए भ्रम हो गया। जब नहीं मानते तो तुम सिर्फ पीटते हो, छाती पीटते हो, हे भगवान कोई नहीं सुनता, इस संसार में अकेला घिर गया, मैं हैरान हो गया, ये आप परेशान हो गए। देखा कल ही चर्चा आ गई थी, कोई मान ले तो भी उसकी स्वतंत्र योग्यता का विचार करोगे तो अकर्तापन आ जाएगा आपको, नहीं मानेगा कोई बात नहीं। टोडो मंजी साहब ने क्या लिखा, उसकी भवितव्यता का विचार करके ही समता आती है, बराबर। तो ऐसे औदयिक भाव की चर्चा बहुत हुई, अभी औदयिक भाव की चर्चा और करेंगे। इसका मतलब है कि औदयिक भाव से निष्प्रयी रहने लायक है, औदयिक भाव से निष्प्रयी रहने लायक है। यदि हम स्लोगन बना के कहें, सूक्ति बनाकर कहें, तो पुण्योदय में रीझो मत और पापोदय में खींचो मत। खींचना समझते, रीझना और खींचना। पुण्योदय में ध्यान से सुनना, एक बात कह रही है, वेद विज्ञान की याद कब आती है आपको, कब आती है, जब प्रतिकूलता हो, पाप का उदय हो, संकट घिर गया हो, हे भगवान अपन कर नहीं सकते, सब स्वतंत्र है। लेकिन आपको लगता है पुण्य का उदय भी वेद विज्ञान करने लायक है, क्यों, पहले आपके पास पैसा कम था, अब पैसा मोटा हो गया, पहले मकान कम छोटा था, ऐसे गांव में छोटा था, अब मोटा बंगला हो गया, आप देख देख कर कैसे लगता है आपको, यहां से बैठकर कैसा लगता है, अब उस समय लगता है मैं वेद विज्ञान करने लायक, पंडित जी बहुत मेहनत की मैंने, बहुत लेबर की मैंने, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और मैंने बहुत परिश्रम किया, फिर बहुत किया, समझो न्याय लगाओ न्याय। ये जो कुछ पुद्गल का प्रणमन दिखाई देता है, इसमें पुद्गल की व्याप्ति है, व्याप्ति, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, उसमें तो पुद्गल व्यापक है, तुमने किया क्या। अब निमित्त तरीके भी व्यापक ढूंढो, निमित्त तरीके, उपादान तरीके तो पुद्गल व्यापक है, उस पैसे में धन में पुण्य का उदय निमित्त पने से व्यापक है। पुण्य का उदय नहीं हो तो करोड़ उपाय करने पर भी कुछ नहीं होता, बहुत लोग हैं मेहनत करने वाले नहीं मिलता, बहुत श्रम करने पर भी नहीं मिलता, और सुनो
जितना ध्यान से सुना, जितना पुण्य का उदय होता है उतना मिलता है, और उस पुण्य का उदय बिलाने पर वह चला जाता है, उससे आगे नहीं मिलता। रिजोमत, रिजोमत का मतलब बोलो भाई, रिजोमत मतलब मूर्छित मत हो, बेहोश मत हो। बेहोश माने, मूर्छित माने, बेहोश माने, मतलब भेद विज्ञान का अभाव ही मूर्छा है। कर्तव्य बुद्धि चढ़ जाना ये मूर्छा है, भोक्तव्य बुद्धि चढ़ जाना ये मूर्छा है, मैं इसका स्वामी हूं ये बुद्धि चढ़ जाना मूर्छा है। क्योंकि बेहोश आदमी को ये होश नहीं है। बेहोश आदमी को जैसे शराब के नशे में हो ना, मोय महामद पियो अनादि, शराब के नशे में हो तो अपना घर की पराया घर की पता नहीं लगता उसको। अभी आप जाओ उठकर और पड़ोसी बंगले में घुसने लगो, वो कहेंगे भैया कहाँ गए सेवंती भाई कहाँ गए, अरे रे भूले सॉरी नशे में हो गया। नहीं नहीं बोले नशे में हो, ऐसे नशे में इसे स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं होता। इसका नाम मूर्छा है, बेहोश है, होश नहीं है इसको। देह में देखते थे कुछ भी हो, अभी तो मजा है, अब देखो मोक्ष जब जाएंगे, नरक भी हो जब जाएंगे, अभी तो खूब संभाल के रखो। फिर क्या हो जाएगा देखो, जिस समय प्रश्न कहां से चला था, वेद विज्ञान पाप के उदय में करना कि पुण्य के उदय में करना, कब करना चाहिए, दोनों में करना चाहिए। हाँ हाँ, पाप के उदय में तो प्रायः लोग विचारते ही हैं, विचारते हैं, लेकिन पुण्य के उदय में विचार करना हो, क्यों, जब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिले, इज्जत आवकार मिले, उस समय लगता है इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखी कि ना तो करोड़पति को देखकर अच्छे कपड़े पहनता और ना छोटे गांव में जाकर सिंपल कपड़े पहनता। भोजन की स्टाइल कभी नहीं बदली, कपड़े की स्टाइल कभी नहीं बदली, सेविंग करने के लिए कभी नहीं सोचा बॉम्बे जा रहे हैं कैसा लगेगा, तुम्हें जो लगे लगे, क्या पुण्य उदय रीजने लायक नहीं है, भेद विज्ञान करने लायक है। आज हमारा बहुत पुण्य का उदय है, सारे देश में लोग चाहते हैं, सीडी सुनते हैं, लोग न्योछावर होने तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करने तैयार हैं, ये हमारा काम नहीं। मुझे तो एक पीड़ा सी होती है, पीड़ा सी पता नहीं क्यों, बहुत पीड़ा सी होती है। जैसे खनिया दाना का नाम आए ना, खनिया दाना का नाम, मुझे ऐसा लगता है हे भगवान मेरे नाम पे पैसे इकट्ठे ही ना हो, क्यों अपेक्षा होने लगती है। आज आप यहां से 5 लाख कर दोगे, दूसरे गांव जाएंगे वहां से कुछ नहीं हो, अरे पंडित जी का प्रभाव नहीं रहा, हमारा प्रभाव कैसे नापेंगे, कैसे नापेंगे। अब 2-5 साल तक एक पैसा ना मिले वहां तो होने लगे, अरे पंडित जी तो अब मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, मैंने तो हमें कैसे नाप रहे पैसे से, पुण्य को कैसे, इसलिए पीड़ा होती है। मैं चाहता हूं मेरा परिचय न प्रोफेसर पना है, न मेरा परिचय क्रियाकांड है, न मेरा परिचय लेक्चर क्या कहना चाहिए थ्योपसम ज्ञान है, न मेरा परिचय सीडियों का प्रचार प्रसार है, मेरा परिचय है परिणामिक भाव। मुझे उस तत्व रूप से पहचान, मुझे आनंद आया, मुझे इसमें कभी आनंद नहीं आता जब आप इन सब चीजों से परिचय करते या कराते, मुझे कभी नहीं आना और आना भी नहीं चाहिए, आएगा तो मैं मरूंगा, क्यों, इन सब की पुण्य के साथ व्याप्ति है, मेरे साथ नहीं, ज्ञान के साथ व्याप्ति नहीं। पाप के उदय में बोलो, कल्पना करो कल से मेरी बदनामी हो जाए क्या होगा, यदि आप मुझे पुण्य से नापोगे तो पाप के उदय से भी नापोगे। मेरे मैं तो दृष्टांत घटा रहा हूं, आप अपने ऊपर घटाना, घटा के देखना, आज आपके पास 10 करोड़ रुपया है, आपको जितना आनंद आ रहा है कल 10 करोड़ के जाने पर उतना ही कष्ट होगा, भयंकर कष्ट होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, आप मर सकते हैं, पागल हो सकते हैं, चीख सकते हैं, बिलख सकते हैं, रो सकते हैं, जिंदा भी रहेंगे तो मुर्दों की तरह रहोगे। ये दुखद बस औदय भाव का स्वरूप नहीं जानने पर, यह दुखद पॉइंट। पुण्य में रिजो मत, अच्छी भाषा में बोल दो,
ज्ञायक भगवान पर रीझा, स्वभाव रीझने लायक है, ज्ञायक भाव रीझने लायक है, विश्व रीझने लायक नहीं है। ओहो, बहुत मेहनत लगती है इसमें, मेहनत लगेगी। अभी आप मेरे से इतने अच्छे से मिलते हो ना, पैसे वाले हो, कल पाप का उदय पर आप फुटपाती हो जाओ, तब इतने ही अच्छे से नहीं मिल पाओ, फिर आपके यहां से लगे पंडित जी क्या सोचेंगे, अब उनसे क्या मिलें, वो समझेंगे भी क्या हमें, अब हम तो गरीब हो गए। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें भगवान समझते हैं। हम यदि तुम्हें पैसे से नापेंगे, इज्जत आबरू से नापेंगे, तो हम मिथ्या दृष्टि, हमें कष्ट होगा और आपको भी कष्ट होगा। मोक्ष मार्ग किसका नाम है बोलो, एक लाइन में कह दो, बोलो मोक्ष मार्ग एक लाइन है, सुनोगे बोलो। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत, मेहनत मतलब कोई को लाठी फावला थोड़ी चलाना है, कुछ उसका काम थोड़ी, मेहनत मतलब स्वभाव का आदर और व्यवहार की उपेक्षा, स्वभाव से अपना माप करो, व्यवहार से अपना माप किंचित मात्र मत करो, इसमें बहुत पुरुषार्थ। समझ लीजिए आप करोड़पति हैं, आज आप 10 लाख रुपए दान में दे सकते हो, तो आपको ऐसा लगता है मैंने भी कुछ किया, ठीक है कोई बात नहीं, कल पैसा नहीं रहेगा, एक पैसा दान नहीं दे पाओगे, उस दिन कैसा लगेगा आपको? इससे पता लग रहा है आप मिथ्या दृष्टि हैं पंडित जी, अब हमारी समाज में क्या वैल्यू, और आप भी हमें क्यों चाहोगे, हम तो आपके लिए अब एक पैसा नहीं दे सकते, आप भी हमारा नाम क्यों लोगे और आगे क्यों बिठाओगे, ये सोच आपको आगे नहीं बैठने देगी, पढ़ने नहीं देगी, पढ़ोगे भी तो ऐसा ही लगेगा, वो बैग फ्लैश बैग वाली पिक्चर चलती जाएगी, कभी अपने पे भी पैसा था भैया, है तो पुतगल की पर्याय कभी अपने पे भी था, क्या था तेरे पास, क्या था, क्या था एक स्वभाव के अलावा तुम्हारे पास, पहले भी क्या था और आज भी क्या है? कई लोगों को आपने देखा होगा, पंडित जी 80 साल हो गए, क्यों बताते हमें 80 साल हो गए, पंडित जी अभी तक दांत हैं, पंडित जी कभी हमारा भी जवानी गुलाब थी, खुशबू थी, जन क्या क्या बोलते पता नहीं क्या क्या बोलते, पंडित जी कभी हम में भी बड़ी दम थी, ए मूर्ख तेरे में अभी भी अनंत दम है, इस दम को दम मत मान, बहुत मेहनत लगेगी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, लोक में एक डिप्रेशन नाम की बीमारी है, उसका मूल कारण है, ये हीरोइन होती ना हीरोइन, बाद में वैसी हो जाती बेचारी। फिर देखो अभी एक सच्ची घटना मैंने अखबार में पढ़ी, अखबार में हीरोइन एक निश्चित उम्र के बाद प्रेस से बचती है, फोटोग्राफरों से बचती है, मीडिया से बचती है, क्योंकि अब बुढ़ापे का फोटो नहीं छापते हैं, इसलिए आपने देखा होगा 70-80 साल के भी हो जाए, 90 साल के भी हो जाए, और यदि उनका फोटो आता है ना, वो ही आता है वो 20-22-25 साल वाला, क्यों नया फोटो देते ही नहीं, लोग समाज में कोई पहचान नहीं ले, सड़क पर कोई पहचान नहीं ले, इसलिए वो पार्टियों में नहीं जाते, समाज में नहीं जाते, सड़कों पर नहीं जाते, बस वो अपनी पुरानी 2-4 पुराने जमाने की हीरोइनें होती हैं आपस की सहेलियां, फिर वो अकेले में उनसे मिलती हैं आपस में बस, और काय बात कर रोना रोती होंगी, तुमने हमारी हिट फिल्म देखी उसमें मैं कैसी अच्छी लगती थी, अब तो खैर, लेकिन अब भी तुम नहीं थे और तब भी, ये देखो भाषा तो सादी है लेकिन बहुत, आप कदम कदम पर, अब लोग, अब मैं फिर कहता हूं स्वामी जी 38 नंबर की गाथा में नियम सार जी में इसी बात को कहना चाह रहे हैं, औदिक भाव आदि 4 भावों से भावांतर से पार, क्या है 4 भावांतरों से पार, भिन्न देख, भिन्न देखो, क्या मतलब, मतलब सुनो 24 घंटे जहां जहां कर्म का उदय है, पुण्य का पाप का शरीर का नाम आए भी नहीं, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद और कौन कौन से लेशिया कसाय ये सब आए थे नहीं, बोलो जब मंद कसाय होती तुम्हें कैसा लगता है, कल्पना करो आज से 1 साल तक आप गाली ना बको, मारपीट नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, घर में 1 लाख का नुकसान हो गया फिर भी आपने समता रखी, आपको भ्रम नहीं हो जाता, पंडित जी मोटू पुरुषार्थ चाले छे, पुरुषार्थ बिन देखना पुरुषार्थ है, मंद कसाय पुरुषार्थ नहीं है, मंद कसाय भी औदिक भाव है,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक प्रश्न खड़ा किया है कि दिगंबर मुनिराजों को तो आप संसार का नेता मत कहो। कौन से दिगंबर मुनिराज को? द्रवलिंगी। प्रश्न समझ आया कुछ? द्रवलिंगी मुनिराज को संसार का नेता मत कहो। कितनी मंदकसा है, कितना व्रत उपवास, कितना नग्न दिगंबर, कितना केस लॉन्च, वो हो उनको तो आप संसार का नेता। संसार का नेता माने समझ आया कुछ? नहीं, जैसे स्कूल में रैंक आती ना, फर्स्ट रैंक, ऐसे द्रवलिंगी मुनिराज संसार का फर्स्ट रैंकर। ऐसा तो मत कहो प्रभु, नीचे से नंबर बन के दो, ऊपर से तो मत बोलो, ऊपर तो निगोदिया को रखो आप कि नहीं, इतनी मंद कसाय है। लेकिन वो मंद कसाय को उपाधेय मानता है, मंद कसाय में एकत करता है, मंद कसाय को स्वयं मानता है, इसलिए वो संसार का नेता है। तो प्रश्न किया कि हमें नहीं समझाई ये बात आपकी, ऐसे कैसे, कहां अनंत कसाय कर रहा है, कहां इतनी मंद कसाय हो गई है और आप दो ही सरखा। तो उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि कसाय कम है या ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ा। अभिप्राय में कसाय को भला मानता है, भले ही मंद कसाय को भला मानता है, तो जिसने मंद कसाय को भला माना उसने सारी कसाय को भला माना। समझ में आ रहा है? सारी कसाय को भला मानने से वो संसार का नेता है। नहीं समझ में आया? समझाना पड़ेगा थोड़ा, देखो समझाता हूं, दृष्टांत देता हूं। हरिजन की कौन सी लड़की से शादी करने लायक है? पढ़ी लिखी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हरिजन की लड़की, हरिजन समझ गए, कौन सी लड़की से शादी करने लायक? गोरी हो, एकदम सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर, यदि वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में चली जाए तो मिस यूनिवर्स बन जाए, इतनी सुंदर, क्यों, क्या करें, क्या करें, वो वर्ल्ड की मिस यूनिवर्स बन सकती होगी, पढ़ लिख सकती होगी, सब कुछ कर सकती होगी, लेकिन हमारे लायक नहीं है। असुंदर की तो बातें ही नहीं है, खोटी की तो बातें ही नहीं है, अनपढ़ गवार की तो बातें ही नहीं, लेकिन वो जो हो सुंदर सुंदर उसको क्या करें, वह भी हमारे। अच्छा मैं कहूं कि नहीं नहीं उससे तो करना चाहिए, आप लोग, आप सब लोग क्या बोलोगे, बोलो, मैं कह देता हूं चलो कर लो, कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सब भगवान आत्मा है, सही बताना, समाज में बाविला मच जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग चलेगी मेरे खिलाफ। किस्मत प्रकाश जी कहते हैं कि हरिजन की कन्या यदि सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो तो चाल से भाव से यानी चाल से क्या ये एक लाइन बोल दूंगा तो तूफान मच जाएगा, कल से कोई गाड़ी नहीं बिठाएगा मुझे। हाँ हाँ ऐसे ही वो जो कसाय है, वो कसाय की जाति की है, वो आश्रबंद की जाति का है, वो कौन सा परिणाम, 28 मूलगुण का परिणाम, मंद कसाय का परिणाम। धवल जी बोलते हैं, धवल जी वो नहाया हुआ हरिजन है, हरिजन समझिए, नहाया हुआ, एक बिना नहाया हुआ अशुभ, नहाया हुआ शुभ है हरिजन। चौके में घुसाए कि नहीं घुसाए चौके में? हाँ हाँ ऐसे ही शुभ भाव भी। अब बोलो भैया, एक साल तक आपको शुभ भाव चले तो सही बताना ईमानदारी से, आपको भ्रम होगा कि नहीं होगा? ऐसा लगेगा पंडित जी पहले से परिणति बहुत चौकस थी गई, आह चौकस, मिथ्यात्मनो शू हाल छे, मिथ्यात्मनी तपास करी कि नहीं करी मिथ्या? वैसे मैं मंगलवार को नहीं जाता, वो आपने कहा था वो धागे मागे वो भी नहीं करता मैं, वो गंडा ताबीज भी नहीं बांधता। अरे तो बहुत स्थूल बात है, अंदर की बात बोलो। द्रव्य कर्म में 8 कर्म, 9 कर्म में ये सब धन दौलत संपत्ति पत्नी बच्चे मकान, और भाव कर्म में शुभ भाव, ये आपको धर्मात्मा का हेतु तो नहीं लगता? यदि लगता है तो आप औदयिक भाव को धर्म मान रहे हैं, मिथ्यात्व है। फिर से बोलता हूं, पॉइंट क्या चल रहा था, पुण्य में रिझो मत, पाप में खिझो मत। कैलेंडर था ना, कैलेंडर, पंडित साहब का कैलेंडर जो आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो और ले लेना। मैं तो कहता हूं यदि दुनिया में आप खाने पीने गिफ्ट बांटते हो और प्लास्टिक के बर्तन अपने कर्मचारियों को बांटते हो, मित्रों को बांटते हो, और भी कोई चीज बांटते हो,
तो दी बेस्ट है तत्व ज्ञान। आप अच्छी सूक्तियां दो, अच्छे तत्व ज्ञान की बातें दो, कैलेंडर दो। कल की कैलेंडर में लिखा था, कल की तारीख में, 11 तारीख में क्या लिखा था पढ़ा किसी ने? पापोदय में भी धर्मात्मा आदरणीय है, पापोदय में भी, पाप के उदय में भी, पाप के कारण, पाप उदय के कारण, पाप के कारण, पाप भाव है ना, पापोदय के कारण धर्मात्मा से नफरत नहीं करना। ये व्यवहार निश्चय बोलो, निश्चय वो व्यवहार। पापोदय में भी अपने भगवान आत्मा धर्मी से घृणा नहीं करना। सारी दुनिया रोटी ना दे, कपड़ा ना दे, इंसल्ट करे, थूके उठा उठा करके, हम अकेले खड़े रह जाएं, लेकिन उस समय भी अपने आप से घृणा नहीं करना, मैं भगवान हूं, ये सब कर्म का औदिक भाव चल रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, इनका कर्ता मैं नहीं हूं, इनका भोक्ता मैं नहीं हूं, इनका स्वामी मैं नहीं हूं। खरेखर जाननारो पण नथी, जाणवामां आवे तो पण जाणनारो नथी, लक्ष्य पूर्वक जाणवानुं मारो काम नथी। अस्थिरता होय, कमजोरी होय, जानने में आ जाए, लक्ष्य चला जाए, लेकिन हम लक्ष्य करने लायक नहीं है। ओहो सोचना भैया, समझा रहे? कठिन तो नहीं लग रहा हमें? अरे समझा रहे भैया? बहुत समझना, फिर से और खोलता हूं थोड़ा, बुरा नहीं मानना, दृष्टांत है। अहमदाबाद में और बस्त्रापुर में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? कौन सा है? हैं? वस्त्रापुर का अच्छा है, क्यों, क्या बात है? हाँ हाँ बोले बोले, डरो मत, अब कोई ना कोई उत्तर है अपने पास, चिंता नहीं करो, अपने अपने उत्तर अपने पास सेव करो, बाद में डिलीट कर देना। यहां तो कह रहे हैं जो जानदी अरहंतम, ओहो ये नहीं कहा समोसरण से, ये नहीं कहा, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पंचायते हिम सो जानदी अपाणम, ये नहीं कहा समोसरण देखो कैसा भव्य है इसलिए भगवान अच्छे हैं, समोसरण में भामंडल है इसलिए महान है, छत्र है, चमर है, इस वजह से महान नहीं कहा। भगवान क्यों महान है? भगवान क्यों महान है? अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ इसलिए महान नहीं है? क्या कह रहे हैं? अनंत चतुष्टय भी उसको तो रखो, क्यों महान है बताओ तो, क्यों महान है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अनंत भगवान की महिमा यदि पुण्योदय से करें तो आपने पुण्योदय पे तो रीझे, लेकिन अनंत भगवान जिस पारिणामिक भाव के बल पर बने और जिस पारिणामिक भाव के भी गीत गा रहे थे, उधर आपकी नजर नहीं जा पाएगी। फिर से बोलो, जिस पारिणामिक भाव के बल पर भी भगवान बने और जिस पारिणामिक भाव के गीत गाए, वो तो भूल ही गए, नजर कहां थी? नजर कहां थी? मैंने एक दिन कहा था आपको, मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसमें कोई चित्रांत नहीं होगा, कोई कृत्रिम लाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लोगों की नजर कहीं नहीं जाएगी, सीधे भगवान पर जाएगी। सही बताना, तीर्थ यात्रा करने में भीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता याद आती है? अरे चित्रांत बहुत अच्छा है, भामंडल बहुत अच्छा है, कहां से लाए, कहां से बनवाया चित्र, इतना सुंदर सिंहासन कहां से बनवाया आपने? भटक गए। सम्यक दर्शन किसको होता है? समझ गए सारा? अर्जुन की पैनी दृष्टि कहां थी? कहां थी? ओ लक्ष्य पर। वृक्ष दिख रहा है कि नहीं गुरुजी? डाली कि नहीं? पत्ते नहीं? मैं दिख रहा हूं? कौन दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चिड़िया दिख रही है कि नहीं? चिड़िया ही नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है फिर? बस लक्ष्य। सोन लेना ये, देखो भाषा तो सादी है, हम और क्या कर सकते, भाषा तो भाषा ही बिचारी। आपको अब कल परसों बता रहा था ना, 3-4 दिन से आप समय शिखर जी जाएंगे और तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, जाते ही हैं आप लोग, लेकिन वहां संशय तो नहीं हो रहा, विपर्य तो नहीं हो रहा, अन्य व्यवसाय तो नहीं हो रहा ना, वो लक्ष्य दिख रहा है आपको पारिणामिक भाव का,
इसलिए आचार्य कुंकुन स्वामी ने प्रवचन सार जी में कहा, जो जान दिया अहंतम, कैसे द्रव गुण पर्याय से आप कैसे जानते हो? अपना तो बस चले, सच्ची में मेरा तो बस चले थे, एक कभी नहीं लगवाऊंगी। क्या क्या कहलाता जी तुम्हारे, बहुत ग्रेनाइट और क्या 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 क्या, लेकिन वो नहीं आएगा पसंद, मुझे मालूम है। डॉक्टर साहब एक बहुत बात कह देते हैं, खुलकर कह देते हैं वो डॉक्टर साहब, कि उन्होंने भगवान के ऊपर लगा दिए सोना चांदी, अजय इन्होंने उनको मुकुट मुकुट पहनाए, अजय इन्होंने उन्होंने बाहर की शोभा बढ़ा दी, अपन ने उनका सिंहासन सोने का कर दिया, छत चवर भामंडल कर दिए, और जितना जितना लगा सकते थे, एक आध किलो सोना उसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, दीवार में लगा दिया, उधर लगा दिया। मैं जयपुर जाता हूँ, जयपुर के मंदिरों की दीवारों पर सोना बहुत है, अपने थोड़ा सोना कम हो गया जी, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, वहां सोना ही सोना, माने खंबे हैं क्या बोलते, पिलर, उन पिलर पे भी सोने की चित्रकारी, और लोग बड़े गर्व से सोने की चित्रकारी, क्या हो गया? ग्वालियर में एक मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, देखा आपने, ग्वालियर में एक स्वर्ण मंदिर है, जैसे उनका स्वर्ण मंदिर फेमस है ना, ऐसे जैनों का स्वर्ण मंदिर हिंदुस्तान में ग्वालियर में है, और उस स्वर्ण मंदिर में बहुत सोना लगा है, हैं? एक क्विंटल 100 किलो 100 kg सोना लगाया उसमें, इसलिए उसका नाम स्वर्ण मंदिर। देखे ना कभी जाओगे तो, मैं तो खैर दूसरी बात कहना है मुझे तो, खैर मेरी चाहना है जो सुन लो आप, तुम्हारे एक क्विंटल उसमें नहीं लगाया होता मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आनंद तब आता जब कोई व्यक्ति दिख जाए और साधारण बात से उसे भोजन करा दो घर ले जाके, कोई गरीब हो, अनाथ हो, रिश्तेदार हो, बेटे के होते हुए बाप को तरसना ना पड़े रोटी के लिए, बहुओं के होते हुए समाधि और नमोकार मन के लिए ना तरसना पड़े, जे है गोल्ड, जे हीरा है, हीरा नहीं गोल्ड भी नहीं, ये अमूल्य रत्न है। पैसा चाहे जैसे कमाना, खाना, ये करना, वो करना, और एक साधारण बात चल नहीं, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो पूछो मत, हमारे भोपाल का मंदिर तो इतना फेमस है, 14 के दिन सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, कल 14 थी ना, अपने तो बड़ा प्रेम होता है, हमारे उधर उत्तर भारत के कितने ही मंदिरों में 14 के दिन मीटिंग बैठती समाज की, और इतना, अब तो खैर कम हो गई होगी थोड़ी बहुत झगड़े, पहले से कम हो गए, लेकिन पहले पहले के मालूम हमारे यहाँ मजाक मजाक में क्या बोलते थे, मैंने बुंदेलखंडी भाषा, किल के लिया 14, किल के लिया मैंने कल है, अब तो क्या स्वामी जी की प्रता से मोक्ष मंडल इन बातों से बच गया, सच कहता हूं, अभी भी हालत खराब है उन मंदिरों की जहां पर स्वाध्याय नहीं होती, और स्वामी जी का प्रभाव जहां पर नहीं है, मैं सच कहता हूं स्वामी जी के प्रभाव से बहुत फायदा हुआ। अपने को तो बात कहीं चल रही थी, आप किससे प्रभावित हुए? लोग कहते हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम जरूर करो सेवा, आपका सौभाग्य होगा हमारी सेवा करो, लेकिन कैसे करोगे सेवा जी तो बता, पहले तुम हमें आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो, फिर तो सेवा कर पाओगे, पैसा है तो पैसा दे दोगे, सामान है तो सामान दे दोगे, खाने पीने की चीज यदि अभी छूट मिल जाए ना तो मेरे पास 100 किलो बादाम हो जाए, अभी 100 किलो बादाम पूरी जिंदगी में नहीं खा पाऊंगा मैं, क्यों? हर आदमी पर बहुत सस्ता काम है, 1 किलो बादाम ला पंडित जी, ये तो बड़े भाव से लाए, भाव से कि भेद विज्ञान से? समझ नहीं दे रहा। अब मैं बच्चों को भी समझाता हूं, ब्रह्मचारियों को समझाता हूं, प्रवचनकारों को भी समझाता हूं, अपन गए और उन्होंने चलते समय बहुत अच्छी चीज गिफ्ट में कर दी, कोई चीज दे दी, घड़ी दे दी किसी ने, सूटकेस दे दिया, कोई चीज दे दी, तो मैं सबको समझाता हूं, ये बात मैंने जयपुर के सब शास्त्रियों के बीच में कही थी बात, और सब जगह कहता हूं मैं, यहां भी कह रहा हूं, तो उन बच्चों से कहता हूं बेटी अपन ने 10 दिन तक भगवान बनने का मार्ग बताया, तो वे जो प्रभावित हुए ना वो रत्नत्रय से प्रभावित हुए, शुद्धात्मा से प्रभावित हुए, और 10 दिन बाद जो उन्होंने गिफ्ट दी 500 और 1000 रुपए की घड़ी,
और अब उस घड़ी को देख देख के प्रसन्न होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा बहुत महंगा सौदा हुआ। तुम 11 दिन बाद घड़ी से प्रभावित हुए और वो मोक्ष मार्ग भगवान बनने से प्रभावित हुए। बताओ फायदे में कौन रहा? फायदे में कौन रहा? श्रोता। और जिसने 2-5 हजार की गिफ्ट दे दी, उसे अब हमेशा कभी मिल जाएगा तो क्या करोगे? क्यों पंच कल्याण में जन कल्याण के दिन मिल जाए तो क्या करोगे? अरे आओ सेठ जी आओ। पंडित चौखो छे कि धोखो छे? मैंने आपकी 5 इंद्रिय की व्यवस्था कर दी तो बढ़िया हो गया हो। इसी का ही नाम है कथा कहा हो तो हमें अहो रूपम अहो ध्वनि। सेठ ने कहा पंडित जी से आपकी वाणी बड़ी मधुर है, अहो ध्वनि। और पंडित जी बोले अहो रूपम तुम्हारी संपत्ति बहुत जोरदार है। ये बहुत सूक्ष्मता से कह रहा हूं, मैंने भाषा तो सादी है पर समझना आप। मेरे साथ जब कोई ब्रह्मचारी भाई भोजन करने जाते हैं, कभी सब जगह जाना होता है, तो कभी करोड़पति व्यक्ति हो अपनी थाली खुद ही उठा के रखने लगे। नहीं ऐसा तुमने आज क्यों किया? अरे इतने बड़े सेठ थाली उठाएंगे अपनी? अच्छा और गरीब के घर हम क्यों उठाएं? उठाए वो। इसका मतलब है अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ कैसे दिगंबर मुनिराज होंगे, चक्रवर्ती बंदे पर मान नहीं होता। बड़े बड़े इंद्र आ जाते हैं, नमस्कार करते हैं और ऐसा नहीं लगता आज मेरी सभा स्पेशल हो गई, मालूम है बहुत अच्छे से सुन रहा था इंद्र, ऐसा नहीं लगता। बनारसीदास जी ने तो लिख ही दिया, बनारसीदास जी ने पूरा भाव तो याद एकदम नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है देख लेना हम वो। हाँ बराबर वो तो याद है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग और काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बीट बीट समझते, बीट बीट समझ में आया नहीं आया आपके? जैसे एक समझ लो एक स्थान हो ना, जैसे कबूतर बहुत होते हैं ना कबूतर, तो वो बीट करते हैं तो इकट्ठी हो जाती है तो डगला लग जाएगा उसका इकट्ठा करो। ऐसे तुम्हारे पास जो बिल्डिंग है ना सोना चांदी पैसा है ना, वो कौवा की बीट का डगला है। काग बीट सम गिनत हैं, गिनत हैं, गिनत गिनत मैंने प्रतीति में लेते हैं, ऐसा नहीं लगता ये बहुत संपन्न है। काय का संपन्न है? कौवे की बीट ढेर सारी है, बस थोड़ी ज्यादा होगी और क्या होगा। नानू डगलू की मोटू डगलू हम फेर सूच है, ऐसा लिखा है। लिखा है मतलब ज्ञानियों को लगता है। ओ हो, मैं दूसरा भी सुनाना चाह रहा था, उसी में लिखा है, उसका भाव बता देता हूं हिंदी में ही आपको सरल भाषा में। उसमें लिखा है अरे रे जिसको जिसको राजाओं की मित्रता, बड़े लोगों की मित्रता गाली सी लगती है, जिसको संपदा आदि कीचड़ के समान लगती है, पूरे और भी हैं सब बहुत सारे हैं, मेरे को एकदम भाव याद नहीं, शब्द याद नहीं आ पा रहे। मैंने एक बड़ा छंद है, सवैया है पूरा पूरा, ये 5-6 चीजें बताई हैं। प्रशंसा करने वाले राजा आदि वे मृत्यु के समान लगते हैं, जितनी देर तुम इसकी प्रशंसा करोगे, वाणी की प्रशंसा करोगे, हमें मृत्यु के समान है। यदि मैं उसकी ओर देख देख के मोहित हूं, आज मेरी प्रशंसा हुई, आज मेरी प्रशंसा हुई, वो मृत्यु है मेरी। हाँ मैं शुद्धात्मा हूं, मेरी वाणी नहीं है, ये सामग्री ये पुण्य का उदय मेरा नहीं है, ये मुझे मृत्यु के समान लगती है, ऐसा लिखा है उसने। ये तो आत्मा को जानो तो ही समझ में आएगी ये बात, बहुत बिना उसके तो बड़ा ऐसा लगेगा तो फिर हम कुछ नहीं करें। करो भैया, हो ही रहा है सब, करोगे तो क्या। कौन सा पॉइंट चला था? पुण्य के उदय में रीजो मत, पाप के उदय में खींचो मत। पाप के उदय में अपने धर्मात्मा अपने भगवान आत्मा से कभी डिप्रेस नहीं होना, अरे हमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मैंने तो अपने लिखा ही हुआ है, मेरा पैसा ईंट चूने में नहीं जाएगा। क्या कह रहा हूं? मेरा पैसा ईंट चूने में नहीं जाएगा। किसी भी धर्मी धर्मात्मा को जरूरत पड़ेगी, उसे मेरा तन मन धन सब व्यवस्था पूरा है, चाहे वो कोई हो, उसके लिए है सारा सारा।
मैं बस समझ लीजिए अपने पैसे का अकाउंट है ना जो मेरा, उसकी रक्षा भी कर रहा हूं, तो केवल इसलिए रक्षा कर रहा हूं कि किसी धर्मात्मा को के काम आ जाए। बस आज मुझे किसी को 50,000 देना हो, 25,000 देना, तो पूछना नहीं पड़े भैया तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, हमें पूछना नहीं पड़े, अपन फटाक से निकाल के दे दे, छुट्टी हो गई। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पुण्य का उदय है, मेरे नाम पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 99% ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे हैं जो अननोन है, आत्मार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं, लेकिन उन्हें कई बार कोई कोई नहीं बेचारे ना मांग सकते, क्यों? धर्मी सो याचे नाही, धर्मी सो याचे नाही, और याचे सो धर्मी नाही, उन्हें कौन करेगा? हम उनको उनके बारे में सोचते हैं। सही बात बताएं, मैं उनके बारे में सोचता हूं ना, इसलिए आप मेरे बारे में सोचते हो। यदि मैं अपने बारे में सोचने लगूंगा तो आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, ये करना नहीं हो गया। पुण्य में रिझो मत, फिर से कहता हूं सुनना ध्यान से, आत्म कल्याण करने की जब जब बात चलती है आप परिणामी भाव देखना चाहिए, तत्काल सम्यक दर्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सब पॉइंट बदल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही मैं आत्म कल्याण की बात करता हूं आप औदयिक भाव की ओर देखते हो, पंडित जी मैं तो दुबला हूं। कब कौन है कहा तुमसे दुबले हो तुम? पंडित जी नवडाश नवडाई छ, कौन है कहा, कौन है कहा? पंडित जी अभी तो हालत खराब है, गरीब है, कौन ने कहा तेरे से गरीब है? पंडित जी व्रत उपवास करने की सामर्थ्य नहीं, अरे कौन कह रहा है तेरे से व्रत उपवास की? मैंने हम सीधा सीधी लाइन बता रहे, सीधी सीधी, वो देख, वो देख भगवान, देख ध्रुव, ध्रुव गायक, देख, देखते ही नहीं बस। पंडित जी एक दो साल की प्रॉब्लम हो रही है, फिर नौकरी छोड़ के मैं फिर आपके साथ आ जाऊंगा, मैं मत आना भैया, जो दो साल बाद आना चाहता है वो कभी मत आना मेरे पास। क्यों, हम जो सीधी बात बता रहे वो तो सुनता नहीं है। दो साल बाद क्या करोगे? एक अहंकार लाद दोगे, काय का, कर्तृत्व का। अरे ऐसा थोड़ी है, अपन चाहे तो बिजनेस छोड़ सकते हैं, अपन चाहे तो बंद कर सकते हैं, अपन चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मैंने एक सेकंड में छोड़ दिया। कर्तृत्व का अहंकार लेके आ गए तुम, सारी जिंदगी छाती पे रखोगे, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, कौन छोड़े? फिर कह रहा हूं हम ध्रुव दिखाते हैं, पारिणामिक भाव दिखाते हैं, और तुम और ही भाव देखते। पंडित जी बस एक लड़की की शादी हो जाए और एक छोकरा हो, वो निपट जाए, तू ही निपट जाए, कहां गए? समझ आ रहा है? मैंने सम्यक दर्शन सीधा काम है, परिणामिक भाव। देखो बहुत सरल दृष्टांत देते हो, आखिरी समझो और क्या करेंगे, आज का आखिरी नहीं, इस प्रकरण में आखिरी देना चाहता हूं। अपना 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, उठाएं कि नहीं उठाएं, क्या करें? बोलो बोलो, उठाएं कि नहीं उठाएं? क्यों, गटर में पड़ा है? अब गटर नाम का औदयिक भाव नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है? और पूछ लेता हूं, पहले इस्तीफा दे के आए नौकरी से तब उठाएंगे, बच्ची की शादी निपटा के उठाएंगे? अच्छा कमजोरी दूर हो जाएगी, पहले टॉनिक खा के आए, टॉनअप हो के आए, फिर उठाएं? कितना कमजोर होगा आदमी की पूरी ताकत झोंक देगा, यदि बुढ़ा भी होगा ना 90 साल का, जो लाठी के सहारे चलता हो, वो भी खून जाएगा। अरे भैया 1 करोड़ का हीरा, जब 1 करोड़ का हीरा तुझे पारिणामिक भाव माने उसकी शुद्धता दिखाई देती है, 1 करोड़ की वैल्यू में का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन खो गया तो मेरा तो 1 करोड़ चला जाएगा, उस हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। एट रैंडम, एट द सेम मोमेंट खून जाएगा। क्यों खून जाएगा बोला? क्यों कूदेगा बोला? ये है वो पारिणामिक भाव का जोर। अब दिक्कत क्या है, बंद में ट्रैफिक चलता है ये तो, आप लोग बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है सम्यक दर्शन में? तो उसे हम डिलीट करते चले जाएं, लेकिन आपको करना पड़ेगा डिलीट, मैं थोड़ी करूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। हा हा, बताओ 1 करोड़ का हीरा निकालने की क्या क्या शर्त है? कुछ नहीं, सीधे घुस जाएगा वहां में, ना लोग का भय करेगा, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे लोग क्या, कुछ नहीं, उतर जा। ऐसे हम कह रहे भैया मुझे तो बैंस जी का वो बचना बहुत अच्छा लगता है, 2500 बार सुना दिया हुआ इधर, जाग तो जी उबो छे ते क्या जाए, हाजरा हजूर ने देख दे जो ने क्या जो ने जो
तारी प्रभुता जोते जोते निज प्रभुता ने जोईलू। बस हो गया काम, इतना सा काम करने जा, क्या कठिन बोला हो? फिर कह रहे भी बहानेबाजी मत करो, इसका नाम है बहानेबाजी। आप परिणामी भाव दिखाते हैं और औधिक भाव देखते हो, ये बहानेबाजी है। नहीं पंडित जी, एक दो साल में कर डालूंगा। क्या करोगे तुम? करोगे क्या तुम? पहले समझ में आ गई? पहले क्या करोगे? पांच साल बाद करना समय दर्शन ठीक है, लेकिन करोगे क्या जी? तो पहले समझाओ मैं। स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, उसकी भाषा, स्वामी जी की भाषा को मैं थोड़ा अपनी भाषा में बता करना चाह रहा हूं। सम्यक दर्शन नगद धंधा है, वायदे का व्यापार नहीं। क्या समझती हैं? सम्यक दर्शन रोकड़ा नो व्यापार छे, वायदा नो व्यापार नहीं। तुम करोगे क्या? मैं सही कहता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम पूजा करोगे, पाठ करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, जो तुम्हें दिखे सब करते रहना। मुझे पूछना ही नहीं, मुझे तो ये बोले तुम सम्यक दर्शन के नाम पर क्या करोगे ये बताओ बस। अरे आप कहते हो आमा तो कुछ करने के लायक है नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ ये तो परिपूर्ण नहीं है, है होना नहीं है। सम्यक दर्शन करके परिपूर्ण होना नहीं है। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन करके परिपूर्ण होना नहीं है, परिपूर्ण देखना अनुभवने का नाम सम्यक दर्शन। हम आपसे एक बात पूछ रहे, वो 1 करोड़ का हीरा क्यों निकालोगे आप? ताकि वो पूरा हो जाए। क्यों निकालोगे 1 करोड़ का हीरा पूरा हो जाए? क्यों धोओगे? पूरा होने के लिए। पूर्णता के बल पर धो रहे हो, पूर्णता के बल पर निकाल रहे हो। पूर्णता बनानी नहीं है, पूर्णता सुधारनी नहीं है, पूर्णता में इंक्रीमेंट नहीं करना है। इसका नाम पारिणामिक भाव। हूं परमेश्वर छू, हूं परमात्मा छू, एम अत्यारे। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, अत्यारे। अब चाहे उसमें लिखा हो चाहे न लिखा हो, मुझे अत्यारे पसंद है। अत्यारे नक्की करो भैया, बताओ क्या करना है। 1 करोड़ के हीरे का दर्शन समझ में आता है? ऐसे भगवान पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। अरे तू उधर नहीं देखता इसलिए पाप पुण्य के उदय आते हैं सामने, बाकी कुछ नहीं होता। बहुत दृष्टांत दे चुके आपको, गोरा सुंदर लड़का, काली लाइट फिकती है लेकिन लड़का तो कुछ नहीं होता, लाल लाइट दिखती है, लाल दिखता है लेकिन लाल नहीं होता। ऐसे अभी तुम स्त्री पुरुष दिखते हो लेकिन हो तो आनंद करो बस। पुण्य के उदय में रीझना ना ही, रीझना माने बेहोश होना, रीझना माने बेहोशी का अर्थ क्या बोला था? भेद विज्ञान का अभाव। आप भेद विज्ञान नहीं कर सकते, आप बेहोश हो, होश में नहीं हो आप। और बहुत मेहनत का बता दिया आपको। आजकल तो क्या होता है, डायबिटीज वगैरह वाले होते ना, तो अब ऐसे यंत्र आ गए छोटे छोटे, हर मरीज को ही दे देते हैं। आप ले जाओगे, चेक करते रहना डायबिटीज, बीपी चेक करते रहना, खुद ही करते रहना चेक, छोटे छोटे आ गए ना ऐसे। आज का हम जो आपको प्रोचन है ना, हम आपको नापने का मंत्र दे दिया आपको। जैसे आप रसोई बनाओ, भेद विज्ञान करो अपन करता है कि नहीं, तो कैसे मालूम पड़े पंडित जी करता है कि नहीं? सुनना ध्यान से, ये तो आप झट कह दोगे हम करता नहीं है, लेकिन करता नहीं है तो फिर आज कोई रसोई की बुराई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? यहां से लड़ाई शुरू करो, यहां से कि अब भी सब बुराइयां करेंगे तो अच्छा, सब तारीफ करेंगे तो सोचो, तो सोचो बुराई और तारीफ होने पर अपन समतोल रहेंगे, तो हम कहेंगे शाबाश। सही बात होता है, आप किसी को भी तारीफ करके ठग लो, तारीफ यश ख्याति ये इतना अमूल्य धन है, 1 पैसा मत दो आप तारीफ कर दो। महिला पूरे घर के कपड़े धो देगी, पूरे घर के, बस पहनते समय कह दो खरेखर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, कह दो आप बस इतना है। पूरे घर के बर्तन मंजवा लो आप, लेकिन एक कह दो पत्नी है तो चौकस
आप सारे काम करा लो, सारे काम बस तारीफ कर करके। और मैं कहता हूं अपने से बड़ा मूर्ख कौन होगा जो तारीफ सुनने के लिए बर्तन मांजने का काम कर रहा है। तारीफ सुनने के लिए हम प्रवचन करें, तारीफ थका गए? नहीं नहीं नहीं, भगवान बनने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। कल तो रात को बहुत कहा था, भगवान बनना है क्या करना है बोलो, स्वभाव का आदर करो बस। पुण्य भी विभाव है, पाप भी विभाव है, दोनों आदर करने लायक नहीं है। हमारी क्या गड़बड़ होती है सुना देता हूं थोड़ा आगे। जब हम पाप के औदिक भाव को देखते हैं ना, तो करना क्या था, ध्यान से सुनना, करना क्या था, करना तो ये था कि ये पाप पुण्य का औदिक भाव उदय और इधर पारिणामिक भाव, बराबर। करना तो यह था कि जब पाप का उदय हो ना, तो अपने को इधर देखना था पाप के उदय से भिन्न, अपन तो परिपूर्ण है, गायक है, तो ऐसे तो नहीं करते, कहां देखने लगते पाप के उदय के समय में? पाप के उदय के समय में पुण्य के उदय देखने लगते हैं, चाहने लगते हैं, कामना करने लगते हैं, हे भगवान अब सहायता कब आएगी, हे भगवान सहायता कब आएगी। सुनो, सम्यक दर्शन करने के लिए सहायता के उदय की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कह रहे, सम्यक दर्शन करने के लिए साता के उदय की जरूरत नहीं है, असाता से भिन्न भगवान देख। अनंत काल की पीड़ा बता रहे, अनंत काल का सरवाला है, हम अनंत बार ऐसे ही करते हैं। कितना सरल मार्ग और कठिन कर लिया अपने हाथों से, कठिन कर लिया अपन ने। पुण्य के उदय में रीझना नहीं, पुण्य का उदय चाहना नहीं, पुण्य का उदय आ गया हो तो मोटअप मानना नहीं, कर्तत्व लेना नहीं, कोई मोटा प्रशंसा करे उसकी तो उसे भेद विज्ञान करना। बहुत मेहनत है, ये मेहनत है, इतनी ही मेहनत है और कुछ नहीं बस। नहीं दीनता नहीं निराशा, दो ही काम नहीं। आगे समझ में आया, औदिक भाव, कौन सा भाव चल रहा है, औदिक भाव। ओहो, कौन सा औदिक भाव नहीं पाए बताओ, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। अच्छा क्यों, अभी अब आप लोगों के पास पुण्य का उदय कम है, कम है बोला। आज भी यदि अपन चाहे ना बाइंड अप कर दें बिजनेस, एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। आज बाइंड अप कर दें तो शरीर को तो दो ही रोटी चाहिए। हमारे यहां तो भारत, उत्तर भारत साइड में तो खुराक जरा ज्यादा होती है, मेहनत करते हैं ना थोड़ा। आप लोग एसी में रहते हो ना, तो रोटी दो खाते हो, पतली पतली थोड़ी थोड़ी। खाकरा क्या होता है, हमारे दो पापड़ बराबर, उसमें क्या दम है। आपका असली खुराक देखना तो बुंदेलखंड के गांव में जाके देखो असली खुराक। वो पता ही नहीं लगता कहां चला जाता है वो सारा खारा। हमारा मतलब तो ये कि देह को तो कम ही चाहिए, कपड़ा कम चाहिए, सारा सामान कम चाहिए, बाइंड अप कर दो। लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कि हम पुण्य के उदय में अपना काम करना नहीं चाहते, बल्कि ये सोचते हैं पुण्य का उदय थोड़ा और बढ़ जाए, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। तो जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना वे मूर्खों जैसे ऐसे काम करते हैं। अपनी तरफ भैया समझ में नहीं आती ये बात, आया समझ में आया कि नहीं आया भैया। हम भगवान बनने के लिए कहते हैं तो अधिक भाव देख लेते हो, और परिणाम ये निकलता है कि कर्णानियोग से उसमें कर्म बंद हो जाता है, कर्म बंद हो जाता है। एक बात है, जब पुण्योदय वाला होता है ना, तो जरा चाहे झट काम हो जाता है, जरा चाहे झट काम हो जाता है। तो इसको क्या लगता है, मेरी चतुराई, चतुराई तेरी नहीं है, तू ठगा गया, तुझे खबर नहीं है। बहुत बहुत अभी मैं एक बात कहूं, अमेरिका कैसा लगता है आपको, अमेरिका अरे गजब। सुना, जो अमेरिका के नाम पर प्रसन्न होते हैं वे मर करके अमेरिका में जन्म लेंगे, बहुत पुण्य होगा तो अमेरिका में मनुष्य बनेगा, लोअर पुण्य होगा तो अमेरिका में डीओजी बनेगा, पीआईजी बनेगा, और भी बनेगा बहुत, जो जो वहां होते हैं वो बनेगा। बताना क्या निहाल हो जाएगा। अब ये बात मैंने आज बता दी ना, तो अब आप ये गलती नहीं करोगे। कौन सी गलती नहीं करोगे, या अब हम वचन से नहीं बोलेंगे, काया से प्रसन्नता व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न तो मन का है। बताओ आपको कैसा लगता है अमेरिका,
ये दृष्टांत हो, दृष्टांत आज मैंने प्रवचन में कह दिया ना, इसलिए आप घर जाकर के विरक्त होकर भोजन कर लोगे तो ये वचन और काया बदल लोगे। मन मन में तो यही लगता है गोल्ड में सुख है, भोजन में सुख है, इज्जत आबरू में सुख है, कमाने में सुख है, और मेरे कमाने से पैसा आता है। अब आपने क्या कर लिया, भाषा बदल दी, अभिप्राय। सुनो, अब समझ में आ रही मेहनत कहां करना है आपको। अंदर 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 भेद विज्ञान के बिना ही मन नहीं टूटेगा। वचन और काया तो आप बदलना सीख गए, लेकिन असली कर्म का बंध तो अभिप्राय से होता है। इसलिए हम कह रहे हैं फिर अभ्यास करो भैया, आप फिर रखो, एक तरफ ये सिद्ध पना है और एक तरफ आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है जिस पर हम रीझ हैं। बोलो, लिखो ऐसे, बिल्कुल लिखो, पुण्य के उदय में कौन सी चीज मिल जाएगी हम रीझ हैं। बोलो, इज्जत आबरू पैसा सोना चांदी सब रखो, रखो सामने। मैं हमने तो तोला है भैया, मेहनत करी, सच में मेहनत हुई है इसमें, और सहज हुई है, मैंने बताओ एक सहज हुई है। आप भी मेहनत कराओ, इस तरह में ऐसी कौन सी चीज है जिसके जिसके कारण इसे छोड़ दें, हम इसे देखना छोड़ दें, इसे अनुभव करना छोड़ दें। बोलो, हमने तो उसके लिए पंक्ति में गाता हूं मैं भजन में, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। कहो तुम्हें जो कहना हो कहो, हम परवाह नहीं करेंगे किसी की, अर्थात किसी के बातों के चक्कर में आकर हम अपने को भगवान देखना नहीं छोड़ेंगे, अपनी प्रभुता देखना नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? ऐसे तुम अभिप्राय ढूंढते कहां हो, श्रद्धा में ढूंढते हो कि ज्ञान में ढूंढते हो, जी है परस चार अकाउंट है ना, वो चार अकाउंट में अभिप्राय ढूंढते कहां हो। हाँ, 11 अंग 9 पूर का पाठी भी अकाउंट भूल गया, 11 अंग 9 पूर का पाठी इधर खड़ा है और द्रवलिंगी मुनि इधर खड़ा है। अकाउंट तो मालूम है कौन कौन से अकाउंट थे, ज्ञान श्रद्धान चारित्र और योगों की प्रवृत्ति, ये दो ही अटक गया बस, ये तो पता ही नहीं लगा यहां हुआ क्या। सोचना भैया, बहुत शांति सोचना, संसद विभ्रमण अध्यवसाय के अकाउंट खोलना भैया। अब क्या करें, मेरी पढ़ाई की स्टाइल अलग है भैया, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकता, मैं तो कॉलेज का लेक्चरर था ना, प्रोफेसर, तो लेक्चर ही दे सकता हूं, लेकिन आप कहो ना कि इस पर वर्कशॉप हो, बिल्कुल आप बैठ के एक एक चेक किया जाए। बोला भैया अकाउंट बोलो खोलो जरा, कैसे समझा, कल भी मैंने कल आपको कहा है, बिल्कुल आपकी एनालिसिस खड़ी हो गई होगी सामने, एनालिसिस किसका नाम उत्तम क्षमा कुछ ज्यादा ही पता नहीं लगता भैया। चलें, हो गया टाइम आपका है ना बात तो पूरी होना ही नहीं है, वो तो बहुत है, क्या कहें। बहुत सारे चर्चा है, पॉइंट इतने हैं कि एक एक पॉइंट लेके बैठ जाओ सभी को 10-25 घंटे निकल जाएंगे। मैं तो एक काम करूंगा, ये सब फेयर करके आपको दे दूंगा, आप अपना दिमाग लगाना और एनालिसिस करना, बाकी तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर कह रहे भैया पुण्य उदय में, ये भी एक पुण्य का ही उदय है, छेपसम खुलना, वाणी खुलना, अच्छा बोलना, सुबक सुबक सुश्वर, इनमें क्या दम। आहा, कैसा सुंदर भगवान है जो पाप के उदय से भी अछूता है और पुण्य के उदय से भी अछूता है, मिथ्या से भी अछूता है और केवल ज्ञान से भी अछूता है, ऐसे भगवान तुम अभी हो अभी। पंडित साहब की तो एक रचना है, मैंने बहुत गुनगुनाते हैं पंडित साहब की, तो उनकी बहुत रचनाएं हैं, जानो अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा, देखो अपने आप को आनंदमयी ध्रुव आत्मा। क्या बोल दिया मैं जल्दी जल्दी, जानो अपने आप को ज्ञानमयी शुद्धात्मा, देखो अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा, ध्रुव स्वभावी। और लगा लो, आनंद लेना और लगा ले, सही में इतना आनंद आया आज, रोटी बनाने में बहुत आनंद है, करता है देखो
देखो छेद्रो का काम चल रहा है, अपन तो ज्ञात है। देखो रोटी अच्छी नहीं बन पाए, अच्छी बन जाए, लोग तारीफ करें, आज आपका साता का उदय ना इसलिए अच्छी लग रही है, रोटी अच्छी थोड़ी होती है, आपको पता है? नहीं बताया था ना मैंने, साता के उदय में अच्छी रोटी बनती है कि अच्छी लगती है? पत्नी चाहे कैसे भी हो, पत्नी का मिलना पुण्य पाप का उदय नहीं है, बताया था? पत्नी का मिलना पुण्य पाप का उदय नहीं, छोकरा छोकरी पति मिलने का पैसा मिलना ये पुण्य पाप का उदय नहीं, मालूम? बताया था एक दिन, पत्नी जैसी भी हो पुण्य के उदय में, साता के उदय में अच्छी लगती है, जैसी भी हो, वो तेज तर्रार हो, लड़ने झगड़ने वाली हो, चिल्ला चोट करने वाली हो, असुंदर हो, असुंदर। हमारा एक लड़का है खनिया दाना का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका में सर्विस में कहें कहां चला गया, मैंने यहां है, लेकिन है बहुत अच्छा लड़का, आज भी संस्कारी, कभी उसने बाजार का पानी नहीं पिया आज तक, भले ही कहीं गया। तो उसने शादी करी ना ऐसी लड़की से करी जिसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा था, मैंने उसके मम्मी पापा कोई पसंद नहीं कर रहा था, उसके लिए तो एक से एक ऑफर हो सकते थे, लेकिन उसने सिंपल शादी करी। उसने मालूम क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अपने को क्या है, घर का काम चल जाए, बच्चे पल जाए, छुट्टी हुई। अब सील की रक्षा तो होगी, टेंशन तो नहीं होगी। अपन कहीं चले जाओ घर में फ्लैट में, वो अकेली बॉम्बे अमेरिका में इधर उधर, अपन हैरान परेशान उसके नाम पर, कोई SMS नहीं आता उसकी पत्नी के पास। कोई झगड़ा नहीं। अब देखो ये साता का होता है उसका, वो जैसी भी है उसे अच्छा मानना, ये साता का होता है। और असाता का होता है अच्छी से अच्छी हो लेकिन उसे बुरी लगती है, अब क्या करे, बोला दिया था मैंने उस दिन दृष्टांत, आप भूल गए, बोला सीता जैसी पत्नी मिल जाए आजकल के हीरो को तो दुखी हो जाए, ये भगवान अच्छी धर्मात्मा बनी, कोई काम की ना दीन की, तो वो असाता का होता है। ऐसी आप सब जगह लगाना ये बात, हाँ हाँ, कोई को भोजन अच्छा लगे तो अपने सिर पे मत लेना कि हमने अच्छा बनाया, वो आज आपका साता का उदय ना इसलिए अच्छा लग रहा है। जिस दिन कोई कहते आज तो भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं है, अपन अंदर में कह लो उनसे मत कहो, उनसे कुछ मत कहो, उनसे कहते सॉरी बस खत्म हो गई बात, चट्टी हो गई, बोलो कितनी अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग है ये। सब जगह लगा ना भाई, सब जगह बिजनेस में आपने कोई अच्छा काम करा, उस सामने वाले साता का होता है वो इसलिए अच्छा लगा, आपका कुछ नहीं है, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।